नमस्कार, 9 दिन 9 मंत्र आप सुन रहे हैं राजुल के साथ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति के रूप में समस्त प्राणियों में स्थित रहने वाली देवी माँ को बारंबार नमस्कार है। ऐसी मान्यता है कि देवी माँ ने अपने भक्तों को सुरक्षित रखने और संसार में सुख शांति स्थापित करने के लिए अपनी चेतना शक्ति को 9 रूपों में प्रत्यक्ष किया। माँ दुर्गा के इन 9 रूपों में दैवीय शक्ति को पहचानना ही नवरात्र मनाना है। नवरात्र पर्व देवी माँ के इन्हीं 9 स्वरूपों को समर्पित है। यूं तो वर्ष भर आदिशक्ति स्वरूपा देवी माँ का पूजन वंदन होता है, किंतु नवरात्र में माँ की साधना का विशेष महत्व है। नवरात्र का आरंभ महालय से होता है, जो नवरात्र से 1 दिन पहले अमावस्या की तिथि को होता है। इस दिन देवी माँ के स्वागत की तैयारी की जाती है, पंडाल सजाए जाते हैं। माँ अपने 9 स्वरूपों के साथ पृथ्वी पर आकर अपनी संतानों पर स्नेह और कृपा का अमृत बरसाती है। पुराणों के अनुसार 9 दुर्गाओं की स्तुति और पूजा पाठ करने का मंत्र ब्रह्मा जी ने अपने पौत्र मार्कंडेय ऋषि को दिया था। इसको देवी कवच भी कहते हैं। प्रथमम शैल पुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम्, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कार रात्रिति, महागौरीति चाष्टममम, नवमम सिद्धिदात्री चा, नवदुर्गाः प्रकीर्तिता, उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनः। इन 9 दुर्गाओं में सबसे प्रथम देवी है शैलपुत्री, दूसरी देवी का नाम है ब्रह्मचारिणी, तीसरी देवी चंद्रघंटा, चौथी देवी है कूष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी देवी का नाम है कात्यायनी, सातवीं देवी है कालरात्रि, आठवीं देवी महागौरी और नवी देवी का नाम है सिद्धिदात्री। प्रथमा से नवमी तिथि तक देवी माँ के इन्हीं 9 अलग अलग स्वरूपों का ध्यान स्मरण करते हुए मंत्रोच्चार द्वारा माँ का पूजन अर्चन वंदन किया जाता है। नवरात्र का शुभारंभ नवदुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की उपासना और ध्यान से होता है। पवित्र आभा से युक्त माँ का ये श्वेत स्वरूप मन को चैतन्य करता है और जीवन को सहज सरल बना देता है। माँ का तेजस्वी मुखमंडल आत्मा को प्रकाशित करता है और सृजनात्मक कार्यों की प्रेरणा देता है। माँ शैलपुत्री की आराधना के लिए सर्वप्रथम कलश की स्थापना करते हैं और इसके बाद इस मंत्र द्वारा माँ शैलपुत्री के स्वरूप का ध्यान करते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम, वृषारूढ़ाम शूलधराम, शैलपुत्रीम यशस्विनीम। इस ध्यान मंत्र का अभिप्राय है कि समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माता शैलपुत्री की हम वंदना करते हैं। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र शोभायमान है, वो वृषभ पर विराजमान है, उनके एक हाथ में त्रिशूल है जो दैहिक दैविक भौतिक इन तीनों तापों का नाश करता है। कठिन संघर्षों में भी आशा और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। माँ के हाथ में सुशोभित कमल सौभाग्य का सूचक है, जो काम क्रोध मद और लोभ से उबार कर उन्नत जीवन की ओर ले जाता है। इस मंत्रोच्चार के बाद माँ शैलपुत्री को रोली अक्षत और पुष्प अर्पित करते हैं। माँ के चरणों में अपनी मनोकामना व्यक्त करते हुए इस मंत्र का जाप करते हैं। ओम शं शैलपुत्री देव्यः नमः। तत्पश्चात माँ को फलों का भोग लगाते हैं, माँ की कथा सुनते हैं। इसके बाद माता शैलपुत्री की स्तुति करते हैं। प्रथम दुर्गा त्वम ही भव सागराः तारिणीम, धन ऐश्वर्य दायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। त्रिलोक जननी त्वम ही परमानंद प्रदीयमान सौभाग्यारोग्य दायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्।
चराचरेश्वरी त्वम ही महामोहा विनाशन मुक्ति भुक्ति दायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। जो भव सागर से तारने वाली प्रथम दुर्गा हैं, उन धन ऐश्वर्य प्रदान करने वाली माँ शैलपुत्री को प्रणाम है। त्रिलोक जननी परम आनंद प्रदान करने वाली सौभाग्य आरोग्य देने वाली माता शैलपुत्री को प्रणाम है। समस्त चर अचर की स्वामिनी मोह का विनाश करने वाली मोक्ष प्रदान करने वाली माता शैलपुत्री को प्रणाम है। पूजा के अंत में आरती करते हैं और मूलाधार चक्र को जागृत करने वाली माँ शैलपुत्री से प्रार्थना करते हैं कि जीवन में स्फूर्ति आए, उत्साह बढ़े और निरंतर विकास हो। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर 9 दिन 9 मंत्र सीरीज का ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों और जानने वालों से ये सीरीज शेयर करना ना भूले। अपने सुझाव यानी सजेशंस के लिए इंस्टाग्राम पर आकर हमें टैग करना और बताना ना भूले @ राजूला शो।